इनकी जड़ें, इनकी कटिंग लगानी है। सारे प्लांट्स तैयार किए हैं, सारे प्लांट्स तैयार किए हैं, लेकिन सब डरा चुके हैं। एक ही निकला है, एक ही निकला है, एक ही निकला है, एक ही निकला है। इनकी जड़ें, इनकी कटिंग लगानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन, गार्डन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं फिर कुछ अपना कुछ गार्डनिंग कवर करने वाली हूँ, जो मैं आपको उसका अपडेट देती हूँ, जो मैंने किया भी है और मुझे और एक्स्ट्रा करना भी है। मुझे अभी इनकी जेरेनियम की कटिंग लगानी है, हालांकि मैं इनकी कटिंग लगा चुकी हूँ। वो देखिए, मैंने इस कटिंग से कितने सारे प्लांट्स तैयार किए हैं, ये देखिएगा कितने सारे प्लांट्स, ये सब रेडी हैं। ये सब मेरे तैयार किए हुए प्लांट्स हैं अपने खुद से कटिंग से, जो मैंने तकरीबन 20-25 दिन पहले, एक महीना हो गया होगा, ये 20-25 दिन हुआ है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है। ये देखिए, मैंने एक ही उसमें कटिंग लेके 1, 2, 3, 4 लगाई हैं, इसमें एक लगाई हुई है और इसमें देखिए, इसमें मैंने 4 लगाई है। आप देखेंगे 4 कटिंग इसमें लगी हुई हैं, तो ये सारी कटिंग हो गई हैं और तकरीबन एक महीना पहले हुई हुई। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ उसकी कटिंग को आपके लिए। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, इनमें जड़ आ चुकी हैं। देखिए, इन सब में जड़ें आ चुकी हैं, आप शायद देख रहे हो कैमरे से, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं, सब में जड़ें आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप भी इनसे एक, अगर आपके पास पुराना जेरेनियम है, और अगर नहीं भी है तो आपके किसी पड़ोस में कहीं पर भी जेरेनियम है तो आप उससे कटिंग लगाइए और एक जेरेनियम से बहुत सारे प्लांट्स बनाइए। आप खुद देखिए, मैं इनको जब अलग अलग करूँगी, ये एक ही, जब इतना सारा, इसमें भी देखिए कितनी कटिंग लगी हुई है, ये 4 कटिंग इसमें लगी हुई है, तो एक ही इतना ज़्यादा फैल जाता है ये, तो उससे एक गमले में आप लगाएंगे तो कितने सारे प्लांट्स आपके रेडी हो जाएंगे। ये मेरे सब रेडी हो चुके हैं, ये देखिए सब रेडी हैं, सब ग्रीन हैं, हेल्दी हैं, और इनको लगा हुआ एक महीना हो गया है, ये सब जड़ पकड़ चुके हैं, इसमें न्यू न्यू, ये देखिए नए पत्ते निकल चुके हैं, ये देखिएगा सब में नए पत्ते निकल गए हैं। ये इसमें इसकी ख़ास बात होती है, इसकी कटिंग मरती नहीं है, बिल्कुल नहीं मरती, आप आराम से इजली कटिंग लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने जिस पॉट से ली है, मैंने इस पॉट से एक महीने पहले लिए थे, जिस ब्रांचेज मैंने काटे थे, कट किए थे, उस पर 4-4 ब्रांचेज निकल चुकी हैं। देखिए, मैंने यहाँ से कट किया था और आप देखिएगा, एक ही निकला है, एक ही निकला है, एक ही निकला है, ये सारे न्यू, ये पूरा घना हो गया है। जब मैंने काटा था तो बिल्कुल ये खाली हो गया था। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ से कटिंग की थी ये, और इस पर सब न्यू ब्रांचेज निकल गई हैं, देखिए। और मैं अब इसमें से अगर कुछ ब्रांचेज उसमें हो रही हैं तो ये देखिए, मैंने यहाँ से कटिंग की थी, इसकी ब्रांच निकल गई है। तो मैं आपके लिए, अगर कुछ मेरे पे इसमें बड़े हो गए हैं तो मैं आपके लिए इसमें से कट करके और एक बार कैसे लगाना है आपको दिखाऊंगी। अब कोई भी ब्रांच लीजिए, अब जैसे मुझे टिक्की ब्रांच चाहिए होती है, ये ब्रांच देखिए आप मेरी, ये टिक्की है, इसमें यहाँ से कट करूँगी मैं इसको। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ये वाली ब्रांच है, ये वाली, अब मैं इसको कट करूँगी और फिर इसमें, ऐसा नहीं है इसमें नई ब्रांच निकल आएगी। देखिए, ये कैमरे में एक हाथ से कैमरा पकड़ना और उसको दिखाना ज़रा पॉसिबल नहीं हो रहा है, मैं आपको काटने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक ब्रांच कट की है, ये अब मैं इसमें से कुछ पत्ते हटा दूँगी नीचे के और इसको आपको वो कर दिखाऊंगी। एक ब्रांच ही ले लिए मैंने और एक, आप देखिए मेरी ये निकल रही है, आप अच्छे से ये निकल रही है ब्रांच, इस ब्रांच को दूंगी मैं कट करूंगी। इस ब्रांच को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, मेरे पे एक और जेरेनियम के पौध रेडी हो गई है, ये देखिए एक पौधा रेडी है। तो आप ऐसे करके, ये सारी मैंने कटिंग ऐसे ही ली थी, और कोई अगर इसमें, क्योंकि मुझे उसमें कटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ से कट किया है और इसको, तो उस पर हल्दी वगैरह या कुछ फंगिसाइड लगा सकते हो, लेकिन वो भी ज़रूरत नहीं, मैंने तो नहीं लगाया था, ये एज इट ही छोड़ दिया था। और यहाँ से न्यू ब्रांचेस
आराम से निकल आएंगे, फिर से घना हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास ये है, ये वाली ब्रांच आपको दिखाई देगा, ये वाली ब्रांच, ये वाली। मैं इसको कट कर लेती हूँ, यहाँ से इजली कट हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉट मैंने लिए हुए हैं जिसमें मैंने मिट्टी पहले से ही तैयार की हुई है। आपको पता है मैं मिट्टी पहले ही रेडी रखती हूँ। और ये जो मैंने ली थी इसकी साइड की ब्रांच, इसको निकाल देंगे, कट करेंगे। मुझे एक हाथ से काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, एक हाथ से मुझे कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये भी निकाल देंगे, थोड़ी बड़ी हो रही है, इसको भी निकाल देंगे। अब हमारे पे बचा ये, और कुछ नहीं करना है, बस आपको खींचिए, थोड़ा होल खींचिए इसमें, इसमें शिफ्ट कर दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप प्लांट्स लवर हैं तो मैं आपको ये आइडिया दूंगी कि आप मिट्टी पहले ही तैयार करके रखें, पॉट भर कर पहले ही रेडी रखा करें, बस फिर उसमें फिर हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है और ईज़िली हमारा जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। अब ये है, ये भी मैं यहीं पे शिफ्ट कर देती हूँ। ये देखिए बहुत आराम से, ये दो पौ ये आराम से चलेंगे, बिल्कुल बिंदु कुछ नहीं होने वाला है। अब इसमें मैं ये थोड़ी पड़ी है बीच में ऐसे लगाऊंगी, ये देखिए मैं। और इनको शुरू में छांव में पानी मैंने इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि पहले से गीली है मिट्टी मेरी, तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। नीचे यहाँ पे रख दूँगी, यहाँ पे धूप कम आती है, मैंने यहाँ पर रखती है कटिंग कर कर। तो इस तरीके से मैंने इन प्लांट से जो भी मेरे यहाँ पर, अब मैं क्या करूँगी, अब ये कटिंग मेरी इतनी सारी रेडी हो रही है, अब इनको मुझे सेट भी करना है, इनको सेट कहाँ करूँ। तो ये मेरे पीछे रेन लिली रखे हुए हैं, ये पीछे रेन लिली रखे हुए हैं, मैं इनको यहाँ से हटाऊँगी और यहाँ पर मैं थोड़ा ऊँचाई करके खाली पॉट होंगे या कुछ भी मेरे पे स्टैंड टाइप से कुछ भी होगा, ईंट होगी कुछ भी होगा, मैं यहाँ पर रख के उसको अपने पॉट्स को यहाँ पर सेट करूँगी ताकि मेरे जेरेनियम का पूरा एक पोर्शन यहाँ पे सिर्फ जेरेनियम ही दिखाई देगी। मैं सेटिंग करने के बाद आपको उसका ओवरव्यू दूंगी। अब ये देखिए जैसे मेरे इसका है स्पाइडर का और ये मेरा जेरेनियम का है, ये वाला सेक्शन मेरा सब सकुलेंट का है जिसपे मैं किसी दिन अलग से वीडियो आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं जेरेनियम पे दिखाती हूँ, इस पर बहुत खूबसूरत फूल आते हैं बहुत ज़्यादा। और इसमें सबसे बस ये बात है कि इसमें पानी कम दीजिए, जितना आप पानी कम देंगे उतना ही चलेगा, नहीं तो इसकी जो होती है गल जाती है बहुत जल्दी से। तो इसमें पानी कम दीजिए। ये मेरे सारे सब रेडी हैं कटिंग से और ये तो आपको दिखाने के लिए रखे हैं, तो ये भी मेरे रेडी हो जाएंगे 10-15 दिन में। तो मेरे पास इस टाइम जेरेनियम बहुत सारा होने वाला है, जब ये फ्लावरिंग पे आएगा तो मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगी और मैं इसको सेट करने के बाद भी आपको उसका वीडियो डालती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस पोर्शन को यहाँ पर ही सेट कर दिया है, ये सारे जेरेनियम मेरे यहाँ पर सेट हो गए हैं। ये देखिएगा पूरा मेरा, जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो कितना खूबसूरत निकल कर आएगा, मैं आपसे दूर से और दिखाती हूँ। ये मेरा जेरेनियम का पोर्शन पूरा सेट है और अभी ये फ़िलहाल के लिए सेट है, जब ये थोड़े पीछे के बड़े हो जाएंगे सारे फिर इनको नए गमलों में सेट करूँगी और एक रो इनकी पूरी अलग से बड़ी बनाऊँगी। दोस्तों आप भी इस तरह से अपने जेरेनियम से बहुत सारे पौधे बनाइए, एक पौधों से हज़ारों पौधे बनाइए। और अगर आपके पास ये नहीं है आप कटिंग ले आइए इनकी। और जब मैंने कट किए थे तो दोस्तों मेरी नेबर्स मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ ही रहते हैं तो उनको ना दूँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने सबको दिए हैं और बहुत सबको तो मैं रेडी करके देती हूँ। अभी गमले लगाए हैं मैंने, पॉट लगाए हैं, तो ये समझिए दो एक्स्ट्रा लगाए हैं मैंने क्योंकि वो आकर मेरे से एज इट इज़ मांगते हैं, तो मैं दो एक्स्ट्रा रखती हूँ ये उनको देने के लिए। और ये नहीं, ऊपर मेरे इनके ऊपर भी कटिंग लगी हुई है, अभी जो बड़े पॉट थे मैं उनको वहीं पर रहने दूंगी और बाहर के गार्डन में भी मेरी इनकी कटिंग लगी हुई है। ये अंदर का एक पोर्शन का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आप जेरेनियम से कटिंग लगाकर बहुत सारे प्लांट्स बनाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत लुक दीजिए। ये सब मेरे पोर्शन ऐसे ही हैं, सब मैं कटिंग करके बनाती हूँ। तो दोस्तों आज का अपडेट इतना ही, आज मैंने कटिंग हुई है, नेक्स्ट वीडियो में आपको
कलेंचू की कटिंग लगाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से कलेंचू की कटिंग लगाई है। और एक प्लांट से जो मैंने 180 रुपए का लिया है उससे मैं बहुत सारे प्लांट्स तैयार करने वाली हूँ, जिसका अपडेट मैं आपको दूंगी। तब तक के लिए बाय, सी यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने का मुझे इंकरेजमेंट मिलता रहे और मैं आपको अच्छी अच्छी अपनी गार्डनिंग में जो वर्क करती हूँ उसकी अपडेट देती रहूँ। बाय दोस्तों।